मुस्लिम टाउन लाहौर में वाक़े कदीम तर्ज का ये घर तहरीक पाकिस्तान के कारकुन कर्नल रिटायर्ड सैयद अमजद हुसैन का है। सैयद अमजद हुसैन जिंदगी की 91 बहारें देख चुके हैं। पर सगीर पाको हिंद में करीब करीब एक सदी के सियासी उतार चढ़ाव को सैयद अमजद हुसैन ने अपनी आंखों से देखा और परखा है। कायदे आजम ने कैसे तहरीक पाकिस्तान की क़यादत संभाली, कैसे तहरीक पाकिस्तान को मंजिल मकसूद तक पहुँचाया, सैयद अमजद हुसैन के लिए ये जग बीती नहीं, आप बीती है। मैं समझता हूँ, मेरे दिल में दर्द है, मुझे पता है कि ये पाकिस्तान किस तरह बना, क्या हालत थी मुसलमानों की। ये जो आप सब देख रहे हैं ये सब उस का सदका है, अधूर की वजह से। अब कोई चीज़ नहीं है, सारे मार रोड पे सिर्फ शाहदीन बिल्डिंग थी, अनारकली में बाजार में एक मेरे शू दुकानों की दुकान थी, पता नहीं क्या था डबी बखे कौन था या रायत शेख रायतला की दुकान थी, बस सब हिंदू थे। सैयद अमजद हुसैन की अपने कायद बैरिस्टर मोहम्मद अली जिनाह तक पहुंचने की भी एक कहानी है। ये 1935 का पुराशोब जमाना है। हिंदुस्तान में नए दस्तूर के तहत आम इंतखाबात हो चुके हैं। कांग्रेस इंतखाबात जीत लेती है। हिंदुस्तान के 6 सूबों में कांग्रेसी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। पंजाब में सर सिकंदर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी का राज है। हर तरफ नेहरू और गांधी का चर्चा है। मुसलमानों को बज़ाहिर अपनी सियासी निजात का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मायूस और दिल गिरफ्ता नौजवान सैयद अमजद हुसैन, जो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में सेकेंड ईयर के तालिब इल्म हैं, मुस्लिम लीग पंजाब के सदर अलामा मोहम्मद इकबाल की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो गर्मियों के दिन थे, अलामा इकबाल ने वो सब मुलाजिम थे, अली बख्श याद है, उन्हें पंजाबी में गली बख्शा, ए मुंडे बड़े बखे ने इन्होंने ठंडे पानी पियो। जो वहाँ पर फ्रिक तो होते गढ़ा था, गढ़े से पानी उन्होंने दिया पिए, तो पंजाबी में अलामा इकबाल जो जोश में आते थे वो अंग्रेजी में बात करते थे, पंजाबी में। और देखो मुंडे हो, मैं तो खाड़े से बाहर बैठ के दाद दस करना, असली परवान हो रहा कोई, वो थोड़ी कुश्ती लड़ेगा, वो थोड़े पास डॉक्टर है, वो तो दवाई देगा। मैं कहता पीरो मस्जिद में था सब कुछ, थोड़े वास्ते अभी थोड़ा नाम सुने और कहने वास्ते, थोड़े को बड़ा कहना आदमी है, आप किसका नाम ले रहे हैं, कौन है? कहने जी वो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना है। और फिर पंजाबी में कहते हैं वो लंदन में गया है और बुला रहे हैं, मैं मारे है। फिर गई में कहा वेन एवर ही कम टू लाहौर टेक ऑर्डर फ्रॉम हिम एंड ओबे हिम ब्लाइंडली। ये साल 1936 है। सैयद अमजद हुसैन को इत्तला मिलती है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिनाह किसी मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में फ्लैटीज होटल लाहौर में ठहरे हुए हैं। ये सुनते ही वो बेताबाना फ्लैटीज होटल पहुंचते हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिनाह के सेक्रेटरी मिस्टर डोबो नौजवान तालिब इल्म से कहते हैं कि बगैर वक्त लिए बैरिस्टर साहब से मिलना मुश्किल है। तहम अल्लामा इकबाल का हवाला दिए जाने पर तालिब इल्म को चंद मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है। तो हम अंदर जब पहुँच रहे तो फ्लड लाइट, वो देखा जैसे लगता उनकी आँखों में फ्लड लाइट थी, चमक थी, और जिससे हम बिल्कुल स्टैगर, वो जस्ट स्टैगरिंग। हमें अलामा इकबाल का विषय याद आया, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, कोई आ गया है तेरा जज्बे कलंदराना। मैंने देखा कलंदर बैठा हुआ है और शाइनिंग उसकी आंखें ब्राइट फ्लड लाइट्स, फिट ऑन बॉयज बैठा सर, वी आर हम्बल स्टूडेंट्स फ्रॉम इस्लामिक कॉलेज and we have been ordered by Alama Iqbal to meet you, and we just came there. We want that you should address the students of Islamic College. What is your authority? Have you got your permission? Have you got permission from the principal of the college to meet him? Have you brought some formal letter? No, sir. Just go see the principal, get a letter for formal letter of invitation for me. And if I have
टाइम आई विल अटेंड एंड डोंट वेस्ट माई टाइम डोंट वेस्ट योर टाइम यू कैन गो. हम खड़े हुए हाथ में लगा रिफ्यूज शेक हैंड विद देम. हमने कहा कि ये नाराज नहीं है, फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मुनाफिकत नहीं है कुछ नहीं. उस वक्त इस्लामिक कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर बी ए कुरैशी था. तो मैं कहा सर वी हैव सीन बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना एंड वी वांट दैट ही शुड एड्रेस द स्टूडेंट्स. तो उन्होंने कहा कि फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन आपकी तरफ से हो. तो वो मुझे देख के कहता है कि हाउ डेयर यू गो एंड मीट बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हु इज अ पॉलिटिशियन. देयर इज नो पॉलिटिक्स इन द कॉलेज.